सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मुझे मेरे लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया थे कि आपने कहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, कौन सा फैकल्टी से ज्वाइन किया था। तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है। बात ध्यान सुनो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी, बट आपको टेस्ट देना है। मैंने हर पेपर का एटलीस्ट 3 टेस्ट मैंने दिया था, मुझे याद है जहाँ तक। हर पेपर का मीन्स 3, 4 और 12 टेस्ट मैंने दिया था, वो भी 100 मार्क्स का। एंड चैप्टर वाइज तो टेस्ट तो देना ही है। तो आपको कोई फैकल्टी आपको चूज़ करने का जरूरत नहीं। अगर आपको करना है, इट्स योर चॉइस, आप कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि इसमें पैसा वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा कीमती है, उसको बचा कर रखो। जब इंटरमीडिएट में जाओगे, तब आपको पैसे का बहुत जरूरत पड़ेगा। 18,000 अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्यूशन फीस तो बहुत ही ज़्यादा है। इस चक्कर में मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, क्योंकि पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है गाइस। ट्रूली बता रही हूँ मैं आपको फ्रीली। तो इसलिए आप अपना पैसा बचा के रखो। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से देना है, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एंड 100% आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा। एंड वही सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में आ जाता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे बेस्ट वीडियोज मैं लाती रहूँगी। तो सबसे पहला है कि ICAI सब कुछ देता है आपको, चाहे आपका ICAI अगर आप फॉलो करते हो, तो आपका एग्जाम क्लियर करने का जो प्रोबेबिलिटी वो 100% है। ICAI के मॉड्यूल को फॉलो करो। ICAI जो MTP RTP देता है, वही आपका टेस्ट पेपर है। आप क्यों कहीं और पैसा देने जाओगे? आपको आप बहुत से पैसे देके ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ का अलग अलग बुक होता है, उस बुक को पढ़ के जाते हैं, एंड एग्जाम में फिर उनका अटेम्प्ट लग जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने लास्ट वीडियो में बता दी हूँ बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से आप पढ़ के CA फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो, अपना पैसा सेव कर सकते हो। ICAI प्रोवाइड करता है MTP RTP एवरी एग्ज़ाम के पहले, तो आपको वही देना है। मैंने वही दिया था। एंड आप सबसे पहला बार आपको टेस्ट कब देना है, एग्ज़ाम के 1 से 2 महीने पहले आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर एग्ज़ाम के अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो एग्ज़ाम के 1 महीने तक आपको कंप्लीट कर लेना है, एंड पूरा 1 महीना आपको टेस्ट में देना है। टेस्ट देना सिर्फ मतलब आँख बंद करके टेस्ट देना, फिर इतना मार्क्स आ गए, इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट। आपको एक टेस्ट देना है। अगर आपका मार्क्स कटता है, तो आपको देखना है आपका मार्क्स कहाँ कट रहा है, फिर उसके ऊपर आपको वर्क करना होता है। टेस्ट का मतलब यही होता है। हम लोग टेस्ट का मतलब क्या, अच्छा 100 में हमको 80 आ गया, या 100 में 50 आ रहा है, अब क्या, ठीक है अब नेक्स्ट दूसरा टेस्ट देके देखते हैं। अगर आपको टेस्ट देना हो, तो आप गिन के 2-3 टेस्ट दो, बट उस टेस्ट में जो आपको गलती पता चल रहा है, उसके ऊपर आप वर्क करो। जब तक वर्क नहीं करोगे, आप 100 टेस्ट दे दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो आपको 2-3 ही टेस्ट दो, बट टेस्ट ऐसा दो अगर उसमें कुछ गलती आ रहा हो, तो उसके ऊपर आप काम करो। ये फैक्ट है गाइस। यही मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में इतना नोटिस नहीं किया था। जब मैंने ये नोटिस किया, तब जाके मेरा फोर्थ अटेम्प्ट क्लियर हुआ गाइस। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको टेस्ट कब देना, अगर अकाउंट से बात कर ली, तो अगर आपका इलस्ट्रेशन सारा कंप्लीट है, बैक क्वेश्चन कंप्लीट है, तब उस सब्जेक्ट का MTP उठाओ। फिर 3 घंटा बैठ जाओ आँख बंद करके, एंड फिर अपना ये एग्ज़ाम दो। और MTP का आंसर शीट भी ICAI प्रोवाइड कर देता है, फिर आप उससे क्रॉस चेक करो। आपको जहाँ पर गलती लग रहा, फिर उसके ऊपर काम करो कि हाँ ये मेरा गलती क्यों हुआ, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसी वजह से आपका गलती हो रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाओ थोड़ा सा। तो बस मैंने भी वही किया था एग्ज़ाम से पहले। जितना भी ICAI शायद 2 MTP देता है, तो मैंने दोनों MTP रिसेंटली का RTP, यही तीनों का 3-4 टेस्ट मैंने दिया था हर सब्जेक्ट का। मैंने कोई फैकल्टी ज्वाइन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, एंड फिर भी मैंने क्लियर किया। ज्वाइन करना आप कर सकते हो, मैं ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, आपको करना आप कर सकते हो। बट अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लो, तो यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज। बाकी बहुत से फैकल्टी है, आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से, जैसा आप अगर पेमेंट कर सकते हो, जैसा पे करने के लिए आप रेडी हो, तो आप देख सकते हो।